क्या है एनएससी स्कीम, कितना देती है लाभ, कितना कर सकते हैं निवेश। अमीर बनना हर किसी का सपना है, इसके लिए लोग बहुत सारी जगहों पर निवेश करते हैं, लेकिन मन के अनुसार उनको लाभ नहीं मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम है जो निवेशकों को तगड़ा मुनाफा देती है। खास बात यह है कि एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है और इसमें पैसा निवेश करना बेहद सुरक्षित है। दरअसल नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी पोस्ट ऑफिस की एक बचत स्कीम है। इस स्कीम में निवेश करने पर एक तो इनकम टैक्स से छूट मिलती है, वहीं बहुत ही अच्छा ब्याज मिलता है। तो इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी में इस वक्त 7.7% का ब्याज दिया जा रहा है। एनएससी एक 5 साल का निवेश प्लान है। यहाँ पर आप जितना भी निवेश करेंगे उस पर आयकर की 80C के तहत छूट ले सकते हैं। एनएससी में अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश कर आयकर की छूट ली जा सकती है। दरअसल एनएससी में न्यूनतम 1000 रुपए से निवेश शुरू किया जा सकता है। अगर इससे ज्यादा का निवेश करना है तो इस पर कोई रोक नहीं है। बता दें कि एनएससी में कितने भी रुपए का निवेश किया जा सकता है, लेकिन ये 1000 रुपए के बाद 100 रुपए के गुणांक में होना चाहिए। एनएससी में निवेश अकेले अपने नाम से या संयुक्त नाम से भी किया जा सकता है। इसे देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से खरीदा और कैश कराया जा सकता है। वहीं अगर जरूरत पड़े तो एनएससी को गिरवी भी रखा जा सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि अगर आप एक बार एनएससी में निवेश करते हैं तो इसके बाद आप इसे अपने मन के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी में अगर 10,000 रुपए का निवेश किया जाए तो 5 साल के बाद 14,490 रुपए वापस मिलेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि पोस्ट ऑफिस ब्याज दरों की समीक्षा हर 3 माह पर करता है, लेकिन अगर एक बार निवेश कर दिया जाए तो तय ब्याज लगातार वही ब्याज मिलता रहता है। यानी आपने जिस वक्त अपना पैसा जमा किया है उस वक्त जो ब्याज मिल रही थी आखिर तक वही ब्याज मिलेगी। जहां तक एनएससी से पैसा बीच में वापस लेने की बात है तो ये संभव नहीं है। केवल एनएससी के अकाउंट होल्डर की मृत्यु पर ही पैसा वापस मिल सकता है। वहीं अगर एनएससी को गिरवी रखा है तो प्लेजी या कोर्ट ऑर्डर के बाद ही इसे जब्त किया जा सकता है। तो अगर आप भी इसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप इसके जानकार से और जरूरी सलाह लें ताकि आपको भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट से ये सलाह जरूर लें कि ये आपके लिए कितनी फायदेमंद है या नहीं, उसके बाद ही आप इसमें निवेश करें। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुड रिटर्न्स।